हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डीबीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन फ्रॉम सेक्शन ए। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2019, 18, 17, 2020, 2008 और 9 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा या मेरे सेपरेट प्लेलिस्ट डीबीटी क्वेश्चन पेपर करके है साइंस एकेडमी में, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं डीबीटी 2010 का सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक इज बेस्ट सुइटेड टू विजुअलाइज द टोपोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। तो जब भी सेल मेम्ब्रेन के टॉपोलॉजी का, सेल मेम्ब्रेन बाईलेयर स्ट्रक्चर है, तो अगर इस बाईलेयर स्ट्रक्चर का आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो इस बाईलेयर को यूनिलेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग और उसके अंदर के सारे प्रोटीन का कंपोजिशन और अटैचमेंट, स्पैनिंग प्रोटीन्स हैं या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रेंसिक प्रोटीन है, वो किस तरह के प्रोटीन है, उनको स्टडी करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं टेक्निक, उसका नाम है फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी फ्रीज फ्रैक्चर यूज़ होगा ये माइक्रोस्कोपी, तो ये हम लोग सेल मेम्ब्रेन को स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। आ रहे हैं अब नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मिमिक एमिनो एसएल टीआरएनए एंड ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन एमिनो एसएल टीआरएनए की जैसा बिहेव करता है और ये ए साइट ऑफ राइबोसोम, वहाँ जाकर बाइंड कर जाता है और ब्लॉक कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस का एक्सटेंशन प्रोसेस को। तो प्यूरोमाइसिन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, द नॉर्मल टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ओके, दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज दिस सिक्वेंस एंड कट आफ्टर थर्ड ए। तो 1, 2, 3 यहाँ पर कट करता है। इन द अबव व्हाट इज द फेट ऑफ द डीएनए आफ्टर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। सपोज 5' पर ये सीक्वेंस है ए टी ए ए एन 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 और फिर है टी टी ए टी। तो 5' इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए टी ए ए एन 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 टी टी ए टी, ये 3' पे होगा। अब ये कट कहाँ पे कर रहा है, थर्ड ए पर, यानी यहाँ कट होगा तो इस तरफ नीचे भी यहाँ पे कट होगा। तो ये फ्रैगमेंट कैसा कट होने के बाद में बनाएगा, एक फ्रैगमेंट यहाँ कट होने के बाद में ऐसा बनाएगा कि 5' ए टी ए ए और 3' की तरफ टी ए टी टी एन एन एन, ये बनेगा इस तरह का। और दूसरा बनेगा यहाँ पर 3' से टी ए टी टी एन 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 ये, और नीचे के तरफ बनेगा 5' पे ए टी ए ए, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, ए 3 nucleotide long 5 overhang तो नहीं है, ओके 7 nucleotide long 5 overhang। तो 7 nucleotide अगर हम लोग काउंट करें यहाँ पर 5, ये 3' है तो यहाँ पर एंड में क्या होगा 5', तो 5' में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस ये ऑप्शन करेक्ट है। 7 nucleotide long क्या है, 5' overhang, ये करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, पायरो सिक्वेंसिंग डराइव इट्स नेम। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पायरो सिक्वेंसिंग रियल टाइम सिक्वेंसिंग है, जहाँ पर हम लोग लूसीफ्रेज इंजाइम का और ए पायरेलेज इंजाइम अपार्ट फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज हम लोग यूज़ करते हैं। और तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इट यूजेज इंजाइम ए पायरेज टू डिटेक्ट इट बेसिस, यस ये करेक्ट है, आंसर विल बी बी ऑप्शन। ए पायरेज यहाँ पे एंजाइम यूज होता है जो डिग्रेड कर देता है अनयूटिलाइज्ड एनटीपीज को, डीएनटीपीज को,
क्योंकि अगर वो डिग्रेड नहीं करेंगे तो लूसीफेरेज एंजाइम जो कि सबस्ट्रेट यूज़ करता है एटीपी, वो फॉल्स रिजल्ट देगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए पायरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो इसको डिटेल में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, मैमेलियन सेल हैज़ एन आउट स्ट्रेच डबल स्ट्रैंड डीएनए 1.2 मीटर विच डुप्लीकेट इन 4 आवर। इफ इट डुप्लीकेट एट द रेट ऑफ 20 माइक्रोमीटर पर मिनट, हाउ मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन आर देयर इन द डीएनए। तो एक कैरियोटिक में हम लोग को मालूम है मल्टी रेप्लीकेटिंग साइट्स होते हैं, तो एक तो नहीं होगा, मोर देन वन होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 1.2 मीटर का कितने आवर में कंप्लीट कर दे रहा है, 4 आवर में। तो 1.2 मीटर डिवाइड बाय 4, ये रेट हो गया आवर में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट कर जाएगा। अच्छा, ये किस रेट से हो रहा है, ये हो रहा है 20 माइक्रोमीटर पर मिनट। तो 20 इसको इस रेट से डिवाइड कर देंगे तो 20 माइक्रोमीटर, तो ये मीटर में, तो इसको 10 टू द पावर प्लस 6 करेंगे तो ये माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये मिनट ऊपर जाएगा, मिनट ऊपर चला गया 1 मिनट, तो मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी मिनट का यूनिट होगा, माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनल कैलकुलेशन करके क्या करना है, 10 to the power 6, 1.2 × 10 to the power 6, 4 × 60 × 20, ये वाला आंसर होगा। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर 1.2 × 10 to the power 6, 4, 5, 6 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 20, 250 ये आंसर होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका 250 आंसर होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड, अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन पेज चेंज हो रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, ओके। एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड विल एलिसिट द सेम रिस्पॉन्स इन वेरियस सेल्स दैट हैव रिसेप्टर फॉर द लाइगेंड, नहीं सेम रिस्पॉन्स नहीं होगा, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर सिग्नल्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर सेल्स हैं और उनके ऊपर लाइगेंड लगे हुए हैं, तो ये जो यहाँ पर सिग्नल बाइंड करेगा, यहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बाइंड करेगा तो यहाँ पर सेम कुछ रिस्पॉन्स होगा, इसके अगेंस्ट भी कुछ रिस्पॉन्स होगा। दूसरा सेल्स को कम सिग्नल मिलेगा क्योंकि ये दूर पर है इससे, तो यहाँ पर कम सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स R2 होगा, कुछ दूसरे में ये कन्वर्ट होंगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस, इसको बोलते हैं सिग्नल ग्रेडियंट, ये फॉर्म कर रहा है मॉर्फोजेंस ग्रेडियंट, तो ये इसकी वजह से अलग अलग तरीके से यहाँ का फॉर्मेशन होगा। तो अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन पे, एलिसिट द सेम रिस्पॉन्स बट टू वेरिंग डिग्री ऑफ वेरियस सेल्स, नहीं सेम रिस्पॉन्स तो होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एलिसिट डिफरेंट रिस्पॉन्स इन वेरियस सेल्स दैट हैव द रिसेप्टर फॉर द लाइगेंड, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। एलिसिट द सेम रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स नहीं होगा, डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजेंस और सिग्नल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आ रहे, इन प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ INF गामा व्हाट वुड बी रिस्पॉन्स ऑफ टी सेल टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अगर INF गामा का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं टी सेल्स पे, तो क्या रिस्पॉन्स करेगा टी सेल्स टू एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी सेल विल बी एनर्जिक, नहीं। टी सेल्स विल गेट एक्टिवेटेड, यस टी सेल एक्टिवेटेड होगा INF गामा से और स्टार्ट सिक्रेटिंग INF गामा, यस बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। टी सेल विल गेट एक्टिवेटेड, स्टार्ट सिक्रेटिंग IL-4, नहीं IL-4 सिक्रेट नहीं करता, तो ये होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रोसीडिंग एमिनो एसिड X इज नॉन टू बी क्रिटिकल इन फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन बाई स्लोइंग डाउन द प्रोटीन रिएक्शन दिस एक्स एमिनो एसिड। तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन सिर्फ एक एमिनो एसिड कर सकता है, वो है प्रोलीन, जहाँ पर इसके जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो जनरली सिस फॉर्म में होता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन, बाकी सब किस में करेंगे, ट्रांस में, ये किस में करता है, सिस में, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन इमैच्योर बी सेल्स मैच्योर इनटू बोन मैरो दे नीड टू इंटरैक्ट विथ नियर बाई एनवायरमेंटल सेल्स, इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट करेगा जिसकी वजह से वो इमैच्योर मैच्योर की तरफ चले जाएंगे। तो स्टेम सेल प्रेजेंट इन द बोन मैरो सेल्स, स्टोमल सेल एंड द साइटोकाइन सच एज IL-7, मैच्योर पी सेल्स प्रेजेंट इन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स विद डिफरेंट पी सेल्स एपिटोप 9, ये स्टोमल सेल्स, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। स्टोमल सेल्स वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा और IL-7 का सेक्रेशन कराएगा जिसकी वजह से बी सेल्स मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, एंटीबॉडीज विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकता है IgG और IgE, जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में या एलर्जिक रिस्पॉन्स में IgE का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है, सोमैटिक म्यूटेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन अकाउंट फॉर, सोमैटिक म्यूटेशन वाई शेप जो ये एंटीबॉडीज होता है IgG, इसके ऊपर FAB होता है, रीजन फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट, और नीचे की तरफ में फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, इस एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे बहुत सारे अमाइनो एसिड में चेंजेस होता है, ठीक है, हाइपर म्यूटेशन, जिसकी वजह से अब ये जीन लेवल पे होगा तभी तो अमाइनो एसिड चेंज करेगा, जिसकी वजह से ये वेरिएबल नंबर ऑफ एंटीजन जो एक दूसरे से डिफर हैं वो इजिली बाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली करता क्या है एफिनिटी मैच्योरेशन में, जिसकी वजह से वो बहुत सारे एंटीजन के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड करे। तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, येलो मोजाइक ऑफ लेग्यूम इज कॉज बाई मूंग बीन, येलो मोजाइक वायरस, येलो मोजाइक ऑफ लेग्यूम इज कॉज बाई मूंग बीन येलो मोजाइक वायरस विच बिलोंग्स टू, ये तो जर्मनी वायरस है। आंसर विल बी, ये डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन आया हुआ है, क्लास 12th के NCERT से, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, ए सेल साइकिल प्रोग्रेस फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय, सेल साइकिल में बहुत सारे फेजेस होते हैं लाइक G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये सब स्पेसिफिक साइक्लिन कराता है, और एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए उन साइक्लिन का डिग्रेडेशन होना चाहिए और वो नेक्स्ट वाले साइक्लिन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो साइक्लिन और CTK का कॉम्बिनेशन ये पूरा का पूरा इंडिविजुअल फेज कराता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो एक साइक्लिन पीक पे हुआ, जब वो डाउन होगा तो ये दूसरे साइक्लिन को एक्टिवेट कर देगा, ये डाउन हुआ तो तीसरे साइक्लिन को एक्टिवेट कर देगा। तो डिग्रेडेशन ऑफ या प्रोटीलाइसिस ऑफ साइक्लिन इज बेसिकली गोइंग टू लीड्स टू प्रोग्रेशन ऑफ वन फेज टू अनदर फेज। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट आ रहे हैं, एलिवेशन ऑफ इंटरसेलुलर इनोसिटल ट्राइफॉस्फेट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज क्लोज टू थ्योरेटिकल नर्स्ड पोटेंशियल फॉर द आयन दैट आर परमिएबल इम्परमिएबल, परमिएबल लिस्ट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट। देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, जो 3 सोडियम को बाहर की तरफ पंप कर रहा है और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ पंप कर रहा है विद द यूज ऑफ 1 ATP, तो इससे आयन का मूवमेंट हो रहा है, और नर्स्ड इक्वेशन में यही रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है। तो बाहर की तरफ में पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ में नेगेटिव चार्ज, और -70 mV इसका रेस्टिंग पोटेंशियल है। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल में नर्स्ड इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, जहाँ पर हम लोग डिफरेंस ऑफ आयन अलॉन्ग विद द चार्ज डिफरेंस दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो वो परमिएबल आयन की तरफ के लिए होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज सिक्रेटेड बाय, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का रिलीज करता है, और लाइडिंग सेल लुटेनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन का रिलीज करता है। तो आंसर टेस्टोस्टेरोन पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
When HFR strain of E. coli is crossed with F minus strain, recombinant obtained R. देखिए HFR क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी स्ट्रेन, और इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पर जीनोम में उनके खुद के जीनोमिक डीएनए होंगे, और प्लाज्मिड के ऊपर में क्या है FR सीक्वेंस, सपोज ये जीन है FR, F प्लस का, तो F प्लस यहाँ से डिसोसिएट होकर यहाँ इंटीग्रेट कर जाए F प्लस, तो अगर F प्लस जीनोमिक डीएनए में इंटीग्रेट कर जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी जीन, ठीक है। और ये नेक्स्ट वाले में सबसे, अब जब कंजुगेशन होगा तो ये नेक्स्ट वाले में सबसे लास्ट में जाएगा, इसलिए कभी भी जब दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा तो F प्लस जाने के चांसेस कम है, क्योंकि F प्लस अब प्लाज्मिड बनी है, अब वो जीनोमिक डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर गया, और जीनोमिक डीएनए बहुत रेयरली नेक्स्ट जनरेशन में दूसरे के पास जाएगा, जाएगा भी तो वो सबसे लास्ट में फ्रैगमेंट जाएगा, तो रेयरली F प्लस में कन्वर्ट होगा। आंसर विल बी सी, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रहा है, आर्किबैक्टीरिया कंसिडर्ड एज अ सेपरेट ग्रुप फ्रॉम बैक्टीरिया एंड ई बैक्टीरिया बेस्ड ऑन 13S RRNA जीनोम सीक्वेंस या जीन सीक्वेंस, 13S RRNA जीन सीक्वेंस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस डज नॉट रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल, तो ये साइटोप्लाज्म में कौन से होंगे, रेट्रो वायरस जिनमें DRNA जेनेटिक मटेरियल है वो DNA में कन्वर्ट करेगा RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, और फिर वो RNA बनाएगा और फिर वो प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरह के वायरसेस होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं सी, सॉरी हेपेटाइटिस, यस ये वाला वायरस सही है, हेपेडना वायरस, ये जो वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस जो इसका एग्जांपल होगा ये इस कैटेगरी में आएगा जहाँ साइटोप्लाज्म में ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रेट्रोवायरस, अच्छा रेट्रोवायरस से रिलेटेड है, रेट्रोवायरस आर ओनली फैमिली ऑफ द वायरस टू इनकोड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दे आर ओनली आरएनए वायरस हुज जीनोम इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ये भी करेक्ट है, दे आर द ओनली पॉजिटिव सेंस आरएनए हुज जीनोम डज नॉट सर्व डायरेक्टली एज ए mRNA इमिडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन, दे आर द ओनली पॉजिटिव सेंस आरएनए हुज जीनोम नॉट डायरेक्टली सर्व एज ए mRNA इमिडिएटली आफ्टर इन्फेक्शन, इनकरेक्ट पूछ रहा रेट्रो वायरस के बारे में, ओके तो दे आर द ओनली वायरस हुज जीनोम इज प्रोड्यूस्ड बाई सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन में, इट इज दे आर द ओनली आरएनए वायरस हुज जीनोम इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ये वाला ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन इटसेल्फ इज कलर रॉन्ग, ये क्या है द ओनली आरएनए वायरस हुज जीनोम इज प्रोड्यूस्ड बाय सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन, सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन से नहीं होता, mRNA से mRNA, ये RNA से mRNA नहीं बनेगा, इसको पहले RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से RT बनाना पड़ेगा, DNA बनाना पड़ेगा और फिर वो RNA में कन्वर्ट करेगा, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, थर्ड ये करेक्ट है, पॉजिटिव सेंस वायरस होते हैं और उनको वो डायरेक्टली सर्व नहीं कर सकते आफ्टर इन्फेक्शन, वो cDNA में कन्वर्ट करेंगे, हाई म्यूटेशन रेट होगा, ये भी करेक्ट है, तो रॉन्ग पूछ रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन एम्स टेस्ट, एम्स टेस्ट में सेल्मोनेला टाइफीमीरियम यूज़ करते हैं जो हिस्टिडीन नेगेटिव होता है, और जब म्यूटेशन करेंगे तो ये हिस्टिडीन प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा वाइल्ड टाइप में, ये एम्स टेस्ट का बेसिक फंडा या फिर कह सकते हैं बैकग्राउंड। नेक्स्ट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन पैरासाइट रेप्लिकेट इनसाइड द लाइसोसोम, तो इनसाइड द लाइसोसोम में प्रोटोजोन्स जो रेप्लिकेट करता है वो होता है लेस्मेनिया, जिसको इंट्रासेलुलर पैथोजन भी बोलते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपीटेटिव मोटिफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल हेलिक्स कोलाजन, ट्रिपल हेलिक्स, तो ट्रिपल हेलिक्स कोलाजन फॉर्म करता है
यहाँ पर ग्लाइसिन एक्स और वाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन द टू सिस्टीनिन रेसिड्यू। डाइसल्फाइड बॉन्ड सिस्टीनिन फॉर्म करता है जिसके साइड चेन में SH होते हैं। अब दो SH वाले आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज विद द रिलीज ऑफ H2। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड फॉर्मेशन, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फोहाइड्रिल ग्रुप। ये सल्फोहाइड्रिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके डाइसल्फाइड लिंकेज बना रहे हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिवर्स होता अगर यही डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग सल्फोहाइड्रिल ग्रुप बनाते रिवर्स, तो ये होता एडिशन ऑफ H2 विच इज़ द रिडक्शन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर इसका सल्फोहाइड्रिल से डाइसल्फाइड लिंकेज बनाना, ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट आ रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ ए प्यूरिफाइड प्रोटीन इन SDS पेज इन प्रेजेंस ऑफ 2-beta-mercaptoethanol yield 2-band 35 and 45। हाउएवर इन द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी द सेम प्रोटीन एल्यूट 80 kilodalton। व्हाट इज द कंक्लूजन, सिंपल कंक्लूजन ये है कि जब आप बीटा मार्केप्टोइथेनॉल नहीं डालते हो तो एक बैंड बना रहा है 80 kilodalton का, और अगर आप बीटा मार्केप्टोइथेनॉल डालते हो, ये माइनस बीटा मार्केप्टोइथेनॉल है, तो यहाँ पे दो बैंड बनता है, एक बनता है 45 का और एक बनता है 35 का, इन दोनों को ऐड कर दो तो 5, 5, 10, 4, 3, 7, 1, 8 80, यानी ये दोनों, ये प्रोटीन हेट्रोडाइमर से बना हुआ, दो डिफरेंट सब यूनिट से 45 और 35। प्रोटीन इज नॉट मॉडिफाइड प्यूरिफाइड होमोजेनिटी नहीं, टू बैंड जनरेटेड इन ड्यू टू डिग्रेडेशन नहीं, हेट्रोडाइमर, सी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है दोनों तरीके से, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उनको उनके फ्लूइडिटी को रिस्ट्रिक्ट करेगा, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो उनके फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्टिव साइट ऑफ ऑल सेरीन प्रोटीएज कंसिस्ट ऑफ, जितने भी प्रोटीएज सेरीन प्रोटीएज होते हैं उनमें सेरीन, हिस्टिडीन और एस्पार्टेट का ट्रायड होता है, इसको बोलते हैं ट्रायड, तो ये तीन होता है सेरीन, हिस्टिडीन और एस्पार्टेट, याद रख लेना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट रिक्वायर एनर्जी। हाउएवर द क्रिटिकल इल पेशेंट आर ट्रीटेड विद द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ ग्लूकोज रैदर देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, बिकॉज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज अनेबल टू इंटर इन टू द सेल, फर्स्ट ऑप्शन इट सेल्फ इज करेक्ट। देखिए जब फॉस्फेट हो जाता है तो ग्लूकोज के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो अगर फॉस्फेट दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, तब ये ब्लड से सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी चार्ज पार्टिकल्स होता है जब सेल के अंदर जाता है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। अगर इसको चार्ज करके हम लोग ग्लूकोज की जगह ग्लूकोज 6-फॉस्फेट खाएं, तो हम लोग का ब्लड से वो RBC के अंदर या मसल्स के अंदर या पैंक्रियाटिक सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, तो क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर चाहिए जो हमारे बॉडी में नहीं होता, तो हम लोग ग्लूकोज लेना है जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज अनेबल टू इंटर इनटू द सेल, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग ग्लूकोज टू दैट पेशेंट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहे हैं, एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिवील्स द प्रोपोर्शन ऑफ A:T:C:G 0.4, 0.85, 1.56 और 1। टाइप ऑफ DNA कंक्लूडेड फ्रॉम दिस स्टडी इज, ओके, तो यहाँ पर A और T का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं है, कोई 0.4 है तो 0.85, इसका मतलब ये DNA नहीं है, और DNA में डबल स्टैंडर्ड नहीं है, या RNA हो सकता है या DNA हो सकता है, बट सिंगल स्टैंड, जिनमें A, T, C और G का नंबर फिक्स नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ये चरगाफ रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कॉमन टू ऑल साइटोस्केलेटन मोटर प्रोटीन लाइक काइनेसिन, डाइनिन और मायोसिन। मायोसिन, काइनेसिन और डायसिन के पास में ATPase प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से ये ATP को डिग्रेड करते हैं, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द DNA मास्टर मिक्स, यहाँ से पेज चेंज हो रहा है,
DNA master mix is prepared by combining 50 microliter each of 10 millimolar DNTP stock solution. 2 microliter from this DNA DNTP mix are added to the CR master mix of 25 microliter reaction volume. What is the total DNTP concentration in the PCR reaction? A stock solution will get 10 millimolar. तो 10 मिलीमोलर डिवाइड बाय 50 माइक्रोलीटर तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.2 मिलीमोलर पर माइक्रोलीटर। इससे 2 माइक्रोलीटर लिया तो 2 माइक्रोलीटर में कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.2 × 2 पर माइक्रोलीटर का 0.2 है तो 2 माइक्रोलीटर का 0.2 × 0.4 कितना मिलीमोल। तो मिलीमोल को अगर माइक्रोमोल में करेंगे तो 10^3 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये मिलीमोल माइक्रोमोल में कन्वर्ट कर जाएगा, आंसर होगा 400 माइक्रोमोल। आंसर बी होगा, आंसर विल बी फोर्थ सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स ए बी। तो ए प्लस बी अगर ए बी फॉर्म कर रहा है तो इसका के इक्विलिब्रियम होगा के एसोसिएशन डिवाइड बाई के डिसोसिएशन। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वीकर द बाइंडिंग, नहीं, अगर ये लार्जर वैल्यू होगा तो के एसोसिएशन स्ट्रॉन्गर होगा, ग्रेटर होगा यानी एसोसिएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, बाइंडिंग ज़्यादा होगा। लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट स्ट्रॉन्गर इज द बाइंडिंग, अगर लो वैल्यू हो गया तो ये वैल्यू लो हो जाएगा यानी ये एसोसिएशन विल बी वीक। लार्जर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट स्ट्रॉन्गर विल बी द बाइंडिंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो के एसोसिएशन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं द एमाइनो एसिड विथ फाई एन साई −60 −40 −59 −47 −81 −20 विल बी एडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। हेलिक्स ये वाला क्या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर का फाई और साई वैल्यू −60 −40 और +60 +40 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हेलिक्स टर्न हेलिक्स एंड एक्सटेंडेड फॉर्म, बीच में एक्सटेंडेड होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर और एक्सटेंडेड फॉर्म, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं BSA स्टॉक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टेनफोल्ड विथ फॉस्फेट बफर, द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वार्ट्ज क्यूवेट पाथ लेंथ ऑफ दिस 1 मिलीमीटर, पाथ लेंथ इज 1 मिलीमीटर एट 281 पॉइंट, दिस वन इज दिस द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ दिस वन इन सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेनफोल्ड डाइल्यूटेड है, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट पाथ लेंथ, एब्जॉर्बेंस कितना है, एब्जॉर्बेंस है ऑफ 1 मिलीमीटर 0.33 एब्जॉर्बेंस है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कितना है 0.66, उसके बाद में सेंटीमीटर, तो ये मिलीमीटर में दिया हुआ है यानी सेंटीमीटर 0.1, ये सेंटीमीटर होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 0.33 × 0.66 × 0.1, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1/2, ये ऊपर गया 10/2 यानी 5 का अब टेनफोल्ड है, टेनफोल्ड डाइल्यूट किया हुआ तो टेनफोल्ड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 50, आंसर विल बी डी ऑप्शन 50। नेक्स्ट आ रहे हैं सोडियम डोडेसाइल सल्फेट एंड एनायनिक डिटर्जेंट कॉमनली यूज्ड फॉर SDS पॉलीक्रामाइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्क इन फैसिलिटेटिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन बाय इट्स एबिलिटी टू बाइंड टू द, ओके। तो SDS यहाँ एनायनिक डिटर्जेंट है जो यूज़ करते हैं हम लोग प्रोटीन सेपरेशन के लिए, और यहाँ पर जो ये करता है मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन by its ability to bind to hydrophobic side chain, negative charge minus के साथ ये bind नहीं कर सकता क्योंकि क्या होगा ये repulsion होगा, खुद negative है, तो ये क्या करता है ये long chain, dodecyl sulfate detergent क्या है long chain of fatty acid ending with
सोडियम। तो यहाँ पर लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड है वो इंटरैक्ट करेगा हाइड्रोफोबिक डोमेन ऑफ प्रोटीन के साथ। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकर इन द एंजाइम एंजाइमेटिक लेवल स्टेप कैटलाइज्ड बाय एसिटाइल कोएंजाइम या कार्बोक्सिलेज। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ACC इसका नाम है, बी ऑप्शन। क्योंकि ACC क्या करता है, एसिटाइल को एंजाइम ए को CO2 के साथ कंबाइन करता है। एंजाइम चाहिए ACC, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज जो बनाता मेलानोइल कोएंजाइम है जो 3 कार्बन का होगा, और ये प्रिकर्सर है फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। ये फैटी एसिड सिंथेसिस करता है। तो अगर फैटी एसिड सिंथेसिस को रेगुलेट करना तो ये एंजाइम को रेगुलेट करना जरूरी है ताकि ये सबस्ट्रेट ना बन पाए। कौन सा? मेलानोइल कोएंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिपिड विथ सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी? फॉस्फेटाइडिल सेरीन, फॉस्फेटाइडिल इथेनोलेमीन, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल 4,5 फॉस्फेट, फॉस्फोलाइपेस A2। लिपिड बोल रहा है विथ सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर है फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल 4,5 बाई फॉस्फेट। दिस इज पोटेंट सिग्नल मॉलिक्यूल, जो जहाँ पर इस ये एसोसिएट किससे रहेगा, सेल मेम्ब्रेन से, फैटी एसिड है, लिपिड है, तो इस पर जब फॉस्फोलाइपेस सी आएगा तो ये बनाएगा डैग और ये बनाएगा इनोसिटॉल ट्राई फॉस्फेट IP3। दोनों सेकेंडरी मैसेंजर है जो कैल्शियम को एक्टिवेट करेंगे और CMP को एक्टिवेट कर देंगे, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक अटैच टू 50S राइबोसोम एंड इनहिबिट द पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी? तो ये करता है क्लोरोएम्फेनिकॉल। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यार, 50S मतलब बैक्टीरियल, तो क्लोरोएम्फेनिकॉल वहाँ काम करेगा, पेनिसिलिन सेल वॉल पे काम करता है, ट्राइमेथोप्राइम और एमिनोप्टेरिन DNA सिंथेसिस पे काम करते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन इनहिबिशन पे काम करेगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, एमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए नोवेल मेम्ब्रेन प्रोटीन कंटेन्स 4 इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन एंड 6 फाइब्रोनेक्टिन लाइक रिपीट्स। दिस प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, कैडरीन, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक प्रोटीन्स, ये सारे जो होते हैं सेलेक्टीन, ये सब जो होते हैं वो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास में इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स प्रेजेंट होता है। ये 4 सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ 20 इंडिविजुअल विच इज एट इक्विलिब्रियम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द एलील अंडर स्टडीज 0.11, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगस इंडिविजुअल? ठीक है, तो 200 का है, एक का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है P+Q=1 हार्डी-वेनबर्ग से, तो P की वैल्यू अगर दी हुई है 0.11 तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 0.11, ये वैल्यू क्या आएगा 0.89, यही होगा 8, 9, 10, 8, 1, 9, 10, यस 0.89। तो हेटरोजाइगस की बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो हेटरोजाइगस होता है 2 × P × Q, तो 2, P की वैल्यू 0.11 और Q की वैल्यू अभी निकाला 0.89, तो ये वैल्यू होगा। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 2 × 0.11 × 0.89, 0.1858, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0.1958। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉलोइंग द एक्सटेंडेड टाइम इन ए टिश्यू कल्चर इज ए प्रॉब्लम कॉल्ड। अच्छा, जेनेटिक डाइवर्सिटी इन टिश्यू कल्चर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी मियोसिस प्रोसेस से गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ माइटोसिस प्रोसेस से सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस से म्यूटेशन हो सक्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमैटिक सेल्स में वेरिएशन हो रहा है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। टू प्रोड्यूस प्लांट दैट आर होमोजाइगस फॉर ऑल ट्रेड द बेस्ट चॉइसेस, होमोजाइगस का मतलब है वो कैरेक्टर सिंग हाइब्रिड में ना हो, प्योर फॉर्म में हो,
या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं होगा तब यह होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे। तो क्रॉसिंग किस में नहीं होगा, प्योर फॉर्म में कौन रहेंगे, हैप्लॉयड फॉर्म। दो हैप्लॉयड वाले को ले लीजिए और उसका वो सब क्या रहेंगे, हैप्लॉयड फॉर्म्स क्या रहेंगे, प्योर फॉर्म में। तो एंथर और पोलन कल्चर यहाँ पर आपको हैप्लॉयड फॉर्म मिलेगा और ये सब प्योर होंगे, होमोजाइगस होंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, डाई इंजेक्टेड इनटू प्लांट सेल माइट एबल टू एंटर द एडजेसेंट सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में। नेक्स्ट आ रहे हैं, इफ यू वांट टू यूज द प्लांट टिश्यू कल्चर एज ए केमिकल फैक्ट्री फॉर विटामिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यू चूज। सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, क्योंकि ये क्या होगा, एक प्लांट सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, अगर प्लांट सेल्स हैं और इनमें मैंने जीन डाल दिया क्लोन करके विटामिन के, तो ये बाहर की तरफ एक्सक्रीट करेंगे। अब बाहर की तरफ क्या है, लिक्विड मीडिया, वो लिक्विड मीडिया को क्या कहेंगे, सस्पेंशन कल्चर, जिससे मैं इजिली विटामिन को आइसोलेट कर लूँगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेशन एंड इनिबिटर इज एडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो फर्मेंटेशन में चांस है कंटामिनेशन का, तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन, वायरल कंटामिनेशन, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, रिफाइम्पसिन, रिफामाइसिन बी फर्मेंटेशन, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा बैक्टीरिया के। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल होता है नॉन कॉम्पिटिटिव में, नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप इज इरिवर्सिबल टाइप। तो आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। रिवर्सिबल क्या होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होगा, इरिवर्सिबल। एक कंप्यूटर सेपरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम पब्लिक पार्ट थ्रू द फायरवॉल। फायरवॉल या फायरवॉल जो होता है, फायरवॉल क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि बाहर से कोई भी आपके इंटरनल डेटा को या इंटरनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, इवन दो आप इंटरनेट से वो सेंड करना चाहें भी तो नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं फायरवॉल। नेक्स्ट आ रहे हैं, ए सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीन और जेनेटिक मार्कर दैट इनहेरिट एज ए सिंगल यूनिट। क्लोजली रिलेटेड जीन और सिस्टमेटिक जेनेटिक मार्कर, तो इसको बोलेंगे हैप्लोटाइप। हैप्लोटाइप क्या होता है, हैप्लोटाइप होता है जीन मार्कर जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है विदाउट एनी चेंज, तो इसको बोलते हैं हैप्लोटाइप। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 49, द माउस मॉडल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस इज कॉल्ड NOD, नॉन ओबेस डायबिटिक माउस ही इसका नाम है। तो ये डायबिटीज मेलिटस के लिए यूज होता है। स्किड माउस में क्या होता है, एंटीजन सॉरी टी सेल और बी सेल दोनों नॉन फंक्शनल होते हैं। न्यूड माउस किस में होता है, जिसमें थाइमस सेल नहीं होता। NJB माउस कौन सा होता है, जिसमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ज़्यादा होते हैं, हाइपर या ये कह सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, तो ये इसको बोलते हैं NJB माउस। डायबिटीज मेलिटस पूछ रहा है, NOD होगा आंसर, इसको बोलते हैं नॉन ओबेस डायबिटीज माउस, ओबेस डायबिटिक माउस। नेक्स्ट आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज यूज टू ट्रांसफर द एम्ब्रियो इन द काउ। तो यहाँ पर जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल होता है 2N। अब जाइगोट आगे चलकर डिवाइड करके ये 3 राउंड डिवाइड करके 16 सेल फॉर्म करता है, इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोमर, और ब्लास्टोमर स्टेज को ही हम लोग बोलते हैं मोरूला, और मोरूला लेटर ऑन में चल के बनाता है गैस्ट्रुलेशन। यहाँ पर बहुत सारे अब सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, उस ऑर्गन के फॉर्मेशन से पहले ब्लास्टुला स्टेज में ही हम लोग को इंसर्ट करना है, ताकि यहाँ पर अगर इंडिविजुअल सेल को भी आप निकाल देंगे ना, तो वो कंप्लीट ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा, क्योंकि इंडिविजुअल अभी क्या है, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं, इनमें अभी भी पूरे ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी है, तो हम लोग इसी स्टेज में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इस स्टेज में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर चांसेस है, क्योंकि ऑर्गन बनना शुरू होगा तो उससे पहले ही मुझे उसको ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
used to transfer the cow into very early morula stage, late morula stage, mid, नहीं late morula, जब पूरा का पूरा morula 16 स्टेज सेल्स में बन गए मलबेरी जस्ट लाइक सेल्स, तो अब उसके बाद में हम लोग आके इसी स्टेज में डाल देंगे। तो आंसर होगा इसका बी, लेट मोरुला स्टेज। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया फ्रॉम पार्ट ए और सेक्शन ए फ्रॉम डीबीटी 2010। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके डीबीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक डाउट है तो पूछिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं किसी और ईयर के डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।